एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधायक रहे स्वर्गीय रविंद्र सिंह की स्मृति में 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का शुभारंभ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कैसरगंज के सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन के तहत कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, खो खो के साथ अन्य खेलों का आयोजन भी होगा, जिनमें जनपद के युवा खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। नगर विधायक डॉक्टर राघव मोहन दास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा पूरन सिंह जी से कि आप महदीप और मैसेज निकेश रोना सर, बस 2 मिनट। धन्यवाद सर। हमारे खिलाड़ी यदि अपनी योग्यता को सिद्ध करना है तो सभी तरह से परिपूर्ण होगा, तभी वो आगे। स्कूल से आए सभी बच्चों को बैठने के लिए बच्चे बैठ जाए। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी का स्वागत करें। अनुरोध करूंगा पंकज सिंह जी से कि आप पूर्व विधायक राजमणि पांडे जी का संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व आयोजक समिति के सदस्य धीरज सिंह हरीश ने बताया, आयोजन लगातार होना चाहिए और इस आयोजन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व खेल महोत्सव आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था, उसमें भी खेल रखा गया था, लेकिन अलग एक खेल महोत्सव के रूप में ये जो मनाया जा रहा है, जिसमें 8 या 10 गेम सम्मिलित किए गए हैं और इसमें प्राथमिकता जो दी गई है वो छोटे बच्चों को दी गई है, और इसलिए इसकी जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है। ऐसे प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। उनकी स्मृति में पूर्व में भी कई आयोजन खेल के हो चुके हैं और इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि गोरखपुर जनपद में खेल को एक नई दिशा दी जाए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी खेल को काफी महत्व देते हैं। उन्होंने कई आयोजन का आयोजन किया है, इस आयोजन में उनका आशीर्वाद प्राप्त है। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आयोजन सफल होगा और यहां के खिलाड़ी, हमारे जनपद के खिलाड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में इस देश का नाम रोशन करेंगे, यही मेरी कामना है और मैं सबके खिलाड़ियों के, कोचों के शुभ मंगल की कामना करता हूँ।